द चैनल। सो आज स्टार्ट करें एक न्यू सीरीज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंट के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द अपकमिंग जेके बॉस जूनियर असिस्टेंट एग्जाम या फिर अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। स्पेशली अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस आया अभी तक उसके अकॉर्डिंग 30 मार्क्स का इस पर स्पेशल फोकस किया गया, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का रेड कलर का बटन होगा साथ में, इस तरह की बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं जी आज का इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल दिख रही हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको लग रहा है इसमें क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जितने भी क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, हमने आपसे ऑलरेडी एक पार्ट शेयर किया हुआ है जिसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। इसमें आपसे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन मिक्सड शेयर कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा पूरा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, तो कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा जी 17th November 1956। सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K केम इनटू फोर्स, तो ये आया था जी 26 जनवरी 1957, एग्जैक्टली 7 ईयर्स बाद 26 जनवरी 1950 में हमारा आया था इंडिया का, एंड J&K का 26 जनवरी 1957। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड J&K एक्सीडेड विद इंडिया, तो कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है 26 अक्टूबर 1947। देखो ये तीन इंपॉर्टेंट डेज, जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन है, आप इनको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप खुद कहीं नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये तीनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ईजी क्वेश्चन लगता है बट कई बार ना जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ये तीनों डेट्स आपस में मिलती है, तो आप इनको आपस में कहीं एक जगह एक साथ लिख लो ताकि आप इसमें कन्फ्यूज ना हो। देन फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K, इसका जो करेक्ट आंसर है 13। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, विच सेक्शन ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट, करेक्ट आंसर इज सेक्शन 10। सिक्स क्वेश्चन फॉर यू इज, विच इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, करेक्ट आंसर इज राइस। मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ शेयर कर दूँ, हमने यहाँ सीरीज स्टार्ट किया है, अगर अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर चैनल के बारे में आपको नहीं पता, J&K का नंबर वन चैनल है एंड ऑल ओवर द इंडिया टॉप 10 में हमारा करंट अफेयर्स है, ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, J&K के स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के बारे में पता ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता दूँ, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फिर अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, 60-70% आपको एफर्ट्स खुद डालने, हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि सिलेबस क्या आया, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बट ट्रस्ट मी आपको खुद ही करना है, दिस इज़ फैक्ट। आपको ऐसा कोई या आपको कोई ऐसा बोलेगा कि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे या व्हाटएवर, कुछ भी, ट्रस्ट मी 70-80% आपको एफर्ट्स खुद ही लगाने हैं, हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। बट इन केस ऑफ करंट अफेयर मैं आपको एक एश्योरेंस दे देता हूं, अगर आप हमारे करंट अफेयर चैनल को देखते हो लास्ट 3 मंथ्स के, अगर आप वीडियोस देख लेते हो, मंथली देख लेते हो या वीकली देख लेते हो, करंट अफेयर सेक्शन का आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 1 ईयर विदाउट एनी ब्रेक हम आपके साथ डेली करंट अफेयर शेयर कर रहे हैं, रिवाइज भी करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स इतने अच्छे से रिवाइज करते हैं लाइक उनको करंट अफेयर सेक्शन उनका फेवरेट सेक्शन बन चुका है। तो J&K के स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के बारे में अभी तक बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सबसे पहला कमेंट होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल के साथ जुड़ जाओ। एंड करंट अफेयर जो मोस्ट सबसे स्टूडेंट्स को जिसको डर लगता है करंट अफेयर सेक्शन से, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। एंड इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, बिकॉज इसमें भी कल आज से जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, देन उसके बाद हम आप एक और वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम आपके साथ ज्योग्राफी शेयर करेंगे, हिस्ट्री शेयर करेंगे, स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपकी ये सारी एटलीस्ट हम आपको प्रॉपर गाइडेंस तो जरूर दे पाएंगे। देन उसके बाद 7th क्वेश्चन आपके लिए, विच प्लेस ऑफ कश्मीर वैली इज नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रॉन, तो फेमस कौन सी जगह है जी, वो है जी पंपोर। ओके, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विच फेमस पर्सनैलिटी मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन J&K, तो किसने कंपलसरी की थी, राजा हरि सिंह जी। देन 9th क्वेश्चन इज, विच पार्ट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर विद जम्मू, करेक्ट आंसर इज बनिहाल पास। देन उसकी ये फुल फॉर्म याद रखना, JKSPDCL जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। देन उसके बाद 11th क्वेश्चन इज, द फेमस हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप हैज इट्स नेम ड्राइव फ्रॉम, तो कहाँ से इसने नाम लिया था, पतन दा तालाब, डेट मीन्स पाउंड ऑफ प्रिंसेस। देन उसके बाद 12th क्वेश्चन इज, विच वैली इज नोन एज मिडो ऑफ गोल्ड, करेक्ट आंसर इज सोनमर्ग, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, विच वैली इज नोन एज मिडो ऑफ फ्लावर्स, करेक्ट आंसर इज गुलमर्ग। देन उसके बाद 14th क्वेश्चन, ये कंस्ट्रक्शन किसने कौन सा फोर्ट बनाया, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, हु कंस्ट्रक्टेड बाहू फोर्ट, ये जम्मू में है जो हमारा, राजा बहु लोचन। ओके, देन उसके बाद 15th क्वेश्चन, विच प्लेस इज प्रॉपरली नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट,
करेक्ट आंसर है जी श्रीनगर। देन हमारा 16 क्वेश्चन है, हु बिल्ड द अमर महल पैलेस, तो किसने बनाया था, डोगरा किंग अमर सिंह, याद रखेगा 19th सेंचुरी में। देन उसके बाद हु बिल्ड शालीमार बाग, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, जहांगीर, ओके फॉर द वाइफ नूर जहान इन 1619। देन 18th क्वेश्चन है हमारा, हु कंस्ट्रक्टेड शंकराचार्य टेम्पल, करेक्ट आंसर इज राजा गोपाल आदित्य, ओके। देन उसके बाद 19th क्वेश्चन है, हु बिल्ड स्टोन स्टेयर्स एंड एट शंकराचार्य टेम्पल, जो स्टेयर्स हैं वो किसने बनाई थी, ये बनाई थी जी महाराजा गुलाब सिंह जी ने। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ लामास, करेक्ट आंसर इज काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टूपाज हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूपाज बने हुए हैं, मोनेस्टर्स बने हुए हैं, इज कॉमनली नोन एज लैंड ऑफ लामास ले, ओके। देन उसके बाद विच पार्ट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब रिलेशनशिप विद इंडिया, करेक्ट आंसर इज पार्ट सेकेंड। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वेन वॉज J&K RTA एक्ट वॉज फर्स्ट इनेक्टेड, तो कब हुआ था इनेक्ट ये आपको बताना है, एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है एग्जाम में, 7 जनवरी 2004, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया J&K, करेक्ट आंसर इज GR सूफी, एंड इनको अपॉइंट कौन करता है, हु कैन अपॉइंट द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, करेक्ट आंसर इज गवर्नर, तो ये आपको याद रखना है। देखो इसमें मैंने आपसे 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, आई होप सब ने वीडियो एंजॉय जरूर किया, इसी तरह से आपको वीडियो मिलेंगे लाइक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उसी के हिसाब से लाइक प्रीवियस डे के जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को सम अप करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, हमारे करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ताकि आपकी करंट अफेयर की सेक्शन, तो एटलीस्ट करंट अफेयर की सेक्शन के एश्योरेंस में आपको यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी भी हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे आपको बाकी लाइक हिस्ट्री पॉलिटी J&K की वो सारी से कवर करवाएं, अकाउंट इन एक्सटेंड के जो भी सिलेबस है मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।